welcome everyone. So students, how are you? I hope you all are fine. So as you know that I'm your teacher, Miss Falaknaz from Metropolitan Foundation School. Now get ready to continue our lesson which we paused in the last video. So ready students, take out your science book. Get ready to read the lesson, continue the lesson, living things and non-living things. So students, tell me, हमने open page number 5, right? हमने यहाँ तक read किया था, अब हम again हम इसको repeat करते हैं ताकि मैं आपको पहले थोड़ा सा explanation दे देती हूँ previous का, ताकि आपको mind में, आपके mind में previous बातें याद आ जाए. हम लोग lesson pick up पढ़ रहे थे, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स. लाइक जो मैन मेड होती हैं वो हमेशा जो है नॉन लिविंग थिंग होती हैं, और जो नेचुरल थिंग्स होती हैं वो नॉन लिविंग थिंग भी होती हैं और लिविंग थिंग भी होती हैं. लाइक जेब्रा, लाइक रोज, लाइक मशरूम्स और लिविंग थिंग्स विच कैन हु कैन मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय देयर ओन सेल्फ, हु कैन ब्रीथ, हु कैन ईट, हु कैन ड्रिंक. And non-living things are who cannot move one place to another place. But जब तक हम उसको दूसरी एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करेंगे तो वो मूव नहीं हो पाएगी. लिविंग थिंग्स के अंदर लाइफ होती है जिसकी वजह से मूव कर सकते हैं, और नॉन लिविंग थिंग के अंदर लाइफ नहीं होती. जैसे जब लाइफ होगी तो आप मूव करेंगे, अदरवाइज आप मूव नहीं कर पाएंगे. मैंने आपको ये होमवर्क दिया था, लाइक आपको इसमें से नॉन लिविंग थिंग्स के 4 नेम्स आपको राइट करने थे और लिविंग थिंग्स के 4 नेम्स पिक्चर में से राइट करने थे. इंशाल्लाह ताला जब ये बुक मेरे पास, जब आप स्कूल खोलेंगे मैं चेक करूँगी ज़रूर. और इन्होंने बताया था कि जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रो करते हैं, ये भी लिविंग थिंग्स में आते हैं क्योंकि ये ग्रो करते हैं और ये भी मूव करते हैं, लेकिन ये थोड़े डिफरेंट तरीके से मूव करते हैं. नाउ लिविंग थिंग्स कैन ग्रो. लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर. यू कैन सी लिविंग थिंग्स ग्रो भी करते हैं, बढ़ते भी हैं. लाइक अगर आप छोटे से हैं तो आप इतने बड़े हुए हैं तो आप ये ग्रो किया है आपने, अभी आप इंशाल्लाह ताला और लंबे होंगे और बड़े होंगे. आप पहले 1 ईयर के थे, अब 5 ईयर के हुए, फिर 10, फिर 9, फिर 11, 12, 13, इस तरह आप ग्रो करते रहेंगे. इसी तरह एनिमल्स भी ग्रो करते हैं, इसी तरह प्लांट्स भी ग्रो करते हैं, जितने लिविंग थिंग्स हैं सब ग्रो करते हैं. Like a chick grows into a hen or cook. You can see that the chick grows into a hen or cook. A lamb grows into a young lamb. अब छोटा सा एक बकरा है जो कि बड़ा होके बहुत बड़ा हो गया है. Sheep या lamb, young lamb बन गया है. A baby grows into a girl or a boy. और एक छोटी सी baby है जो कि girl बन गई है, और अगर baby boy होगा तो वो boy बन जाएगा बड़ा होके. इसी तरह ये है, a tiny plant grows into a young plant or a tree. एक छोटा सा पौधा आपने देखा होता है जो कि बढ़ता है, हम उसको सन लाइट पर रखते हैं, पानी डालते हैं, उसकी सैंड को सही करते हैं, उसके सॉइल को सही रखते हैं, तो वो छोटा सा पौधा ग्रो करता रहता है और एक दफ़ा एक दिन बड़ा होकर दरख्त ट्री बन जाता है. दिस पिक्चर शोज दैट ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो. अब ये पिक्चर्स हमें शो कर रही है कि सारे जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो ग्रो करते हैं. Scientific investigation. Collect and paste in your notebooks 5 pictures of one plant, animal, other living things. Do you see any living thing which is different from animals, plant or humans? अगर आप जानते हैं कि कोई और ऐसी living thing जो कि different है वो आप plant से, animal से, तो आप ज़रूर हमसे share कीजिएगा. Now come to page number 6. Can a small computer grow into a big computer? क्या एक छोटा कंप्यूटर बड़ा हो सकता है, बड़ा होकर एक बड़ा कंप्यूटर बन सकता है? आप बताइए. Can a small doll grow into a big doll? क्या एक छोटी सी गुड़िया बड़े होकर बड़ी हो सकती है, बड़े होकर मतलब ग्रो करके एक बड़ी सी डॉल बन सकती है क्या? No, they cannot. नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता. Computers, dolls, rock, air and water do not grow. ये सब non-living things. They are non-living things. ये सब non-living things हैं, ये नहीं बढ़ सकती.
सिर्फ लिविंग थिंग्स ग्रो कर सकती हैं. लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर. लिविंग थिंग्स को ज़रूरत होती है खाने की और पानी की. ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर्स. अब यू कैन सी द पिक्चर्स इन योर बुक. ऑब्जर्व दैम. अब यहाँ पे देखें, ये सारे लिविंग थिंग्स हैं. यहाँ पे ह्यूमन है, ह्यूमंस बेबी चाइल्ड हैं, चिल्ड्रंस हैं. ये देखें ईट कर रहे हैं. जब तक हम ईट नहीं करेंगे, अच्छा खाना नहीं खाएंगे, अच्छा फूड नहीं ईट करेंगे, मिल्क नहीं ड्रिंक करेंगे, तो हम क्या ग्रो हो सकते हैं जल्दी जल्दी, हेल्दी हो सकते हैं? नो. हमें सब बढ़ने के लिए, ग्रो होने के लिए, हेल्दी होने के लिए, एनर्जेटिक होने के लिए सब चीज़ें खानी पड़ेंगी. लाइक कैट को भी फूड खाना पड़ता है उसको बढ़ने के लिए, इसी तरह प्लांट्स को भी वाटर की चाहिए होता है, सनलाइट चाहिए होती है उसको ग्रो करने के लिए, अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए. डू यू ईट ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग. क्या आप ब्रेकफास्ट करते हैं सुबह में? सुबह का नाश्ता करते हैं, खाते हैं आप? डू यू ईट ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग? डू यू ईट लंच एंड डिनर? क्या आप लंच और डिनर करते हैं? दिन का खाना, रात का खाना खाते हैं? खाते हैं. डू यू ड्रिंक वाटर मैनी टाइम्स इन अ डे? क्या आप पानी पीते हैं दिन में? पता नहीं कितनी बार पी लेते हैं हम तो भाई गिलास. क्यों हमें ये सब चीजें खाने पीने की क्या जरूरत है? समटाइम्स यू फील सो हंग्री दैट यू कांट वेट फॉर लंच और डिनर टू बी सर्व. कभी कभी हमें इतनी जोर की भूख लगी होती है, कभी हम इतने भूखे होते हैं, हंग्री होते हैं, हमें फील हो रहा होता है कि हम बहुत ज्यादा हंग्री हैं, कि हमसे वेट भी नहीं होता कि मामा जल्दी, हम कहते हैं जल्दी से मामा लंच लगा दें, जल्दी से खाना दे दें, मम्मा का हम वेट भी नहीं करते. तो हम इतने भूखे होते हैं कि हमें लंच सर्व करने का वेट भी नहीं करते. यू नीड फूड टू लाइफ. हमें खाने की क्या जरूरत है, हमें पीने की क्या जरूरत है? क्योंकि हमें ये खाने से जिंदा रहने के लिए हमें खाना पड़ेगा. अगर हम खाए पिए बगैर रह सकते हैं क्या? ईट फूड के बगैर, वाटर के बगैर हम रह सकते हैं? नो. लिविंग थिंग्स वाटर और फूड के बगैर नहीं रह सकते. उन्हें जिंदा रहने के लिए फूड भी खाना पड़ेगा, उन्हें जिंदा रहने के लिए पानी भी पीना पड़ेगा, उन्हें जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ खाना होगा. फूड हेल्प्स यू टू ग्रो. खाना जो है आपको बढ़ने में हेल्प करता है, मदद करता है. अगर आपका डाइट अच्छी होगी तो आप जो है बहुत अच्छे तरीके से हेल्दी ग्रोथ करेंगे. फूड हेल्प्स यू टू ग्रो. एनिमल्स गैप their food from plants or other animals. जो animals होते हैं वो अपना food कहाँ से लेते हैं? Animals जो है अपना food कहाँ से लेते हैं? या तो वो plant से लेते हैं, like जो भी tree होते हैं, banana या mango tree, apple tree, वो लोग वहाँ से खाते हैं. और जो carnivores होते हैं जो कि गोश्त खाते हैं, वो दूसरे animals को खा के अपना food तैयार करते हैं. Most plants make their own food with the help of air, water and sunlight. और बहुत से प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपना फूड खुद तैयार करते हैं, मतलब खुद उगाते हैं. किसकी मदद से? हवा की मदद से, पानी की मदद से और सूरज की रोशनी की वजह से, sunlight. Does your doll ever need food? क्या आपकी डॉल जिसके साथ आप खेलते हैं, क्या उसको खाने की जरूरत पड़ती है? No. नहीं, इट डज नॉट. उसको जरूरत नहीं होती. इट इज नॉट अ लिविंग थिंग. वो लिविंग थिंग थोड़ी है, उसके अंदर लाइफ थोड़ी है. ओनली लिविंग थिंग्स नीड फूड. सिर्फ लिविंग थिंग्स होते हैं जिनको फूड की जरूरत होती है, क्योंकि वो ग्रो करते हैं और उनको एनर्जी की भी जरूरत होती है. नाउ कम टू न्यू पैरा. लिविंग थिंग्स ब्रीथ इन द एयर. लिविंग थिंग्स जो है हवा में ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं. ब्रीथ मीन सांस लेना. ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर. अब यहाँ पे पिक्चर देख रहे हैं आप. अब ये स्पैरो है, बर्ड है. एक बर्ड जो है ये भी सांस हवा में लेती है, ह्यूमन भी सांस हवा में लेते हैं और प्लांट्स भी. नाउ कम टू पेज नंबर 7. एनिमल्स प्लांट्स एंड ह्यूमंस ब्रीथ इन द एयर. जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं और ह्यूमंस हैं, वो कहाँ सांस लेते हैं? हवा के अंदर.
होल्ड योर ब्रीथ फॉर अ फ्यू सेकेंड्स. आप अपनी सांस को थोड़ी देर कुछ सेकंड के लिए रोकें. कैन यू होल्ड इट लॉन्गर. क्या आप इसको काफ़ी देर तक रोक सकते हैं? नो नहीं. ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ टू लिव. हर जानदार हर लिविंग थिंग को जिंदा रहने के लिए सांस लेनी पड़ती है. अगर हम सांस ले लेंगे सांस रोक लेंगे क्या हम जिंदा रहेंगे? नहीं, हम जिंदा नहीं रह सकते. सांस हमें जीने के लिए जिंदगी जीने के लिए जिंदा रहने के लिए सांस लेना बहुत ज़रूरी है. और वो सांस एक खुली फिजा में एक हवा में ऑक्सीजन जो होती है वो एयर में होती है हवा में होती है. एनिमल्स लाइक कैट डॉग टाइगर लायन एट्सेट्रा ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स. जो एनिमल्स होते हैं लाइक डॉग कैट जो टाइगर है ये सब जितने भी एनिमल्स हैं वो सांस लेते हैं किसके जरिए? लंग्स के जरिए. लंग्स जो कि हमारी बॉडी का ऑर्गन है जिसकी मदद से हम सांस लेते हैं. इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोचेस मॉस्किटोज एंड ग्रास हॉपर ब्रीथ थ्रू एयर होल्स इन देयर बॉडीज. अब ये जो इंसेक्ट्स होते हैं लाइक कॉकरोच मॉस्किटोज मच्छर हैं लाल बेग वगैरह जितने भी छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं वो कैसे सांस लेते हैं? उनके अंदर तो लंग्स नहीं होते. लंग्स तो बड़े लिविंग थिंग्स के अंदर होते हैं. जो छोटे इंसेक्ट्स होते हैं लाइक ये देखें ये छोटे छोटे जो हैं ये इंसेक्ट हैं तो ये कैसे सांस लेते हैं? इनकी बॉडी में होल्स होते हैं उनके जरिए वो सांस लेते हैं. फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स. और जो फिश होती है वो अपनी गिल्स की मदद से सांस लेती है. उसकी बॉडी भी गिल्स होते हैं जो कि वो सांस लेती है तो गिल्स ओपन एंड क्लोज होते हैं. प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टाइनी होल्स इन देयर लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा. और जो प्लांट्स के अंदर भी एक छोटे छोटे होल्स होते हैं बहुत छोटे से होल्स होते हैं जिनकी मदद से वो ब्रीथ करते हैं. इसी तरह जो इंसेक्ट्स हैं उनके बॉडी में छोटे छोटे होल्स होते हैं एयर होल्स जिनकी वजह से वो ब्रीथ करते हैं. और फिश के अंदर गिल्स होती हैं वहाँ से वो ब्रीथ करती है. और प्लांट्स के अंदर लीव्स के अंदर छोटे छोटे बिल्कुल टाइनी से देखें इन्होंने करीब से भी पिक्चर दिखाई होल्स होते हैं यहाँ से ये लोग ब्रीथ करते हैं जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं. होल्ड द नोज ऑफ योर डॉल और फॉर अ लॉन्ग टाइम डज इट क्राई. आप अपनी डॉल की नोज ऐसे काफी टाइम से पकड़ लें काफी टाइम तक क्या वो रोएगी? नो. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ. नहीं, क्योंकि जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो कभी ब्रीथ ही नहीं करते क्योंकि उनके अंदर लाइफ ही नहीं होती. लिविंग थिंग्स फील एंड रिएक्ट. लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो फील भी करते हैं और रिएक्ट भी करते हैं. लिविंग थिंग्स फील भी करते हैं और रिएक्ट भी करते हैं. लाइक अगर आपको कोई सुन चुपाता है तो आपको फील होता है ना, आपको दर्द होता है. अगर कोई आपके कहीं से चोट लग जाती है आपको कितना फील होता है? आप फील करते हैं तो आपको दर्द होता है. व्हेन वी प्रिक आवर हैंड विद अ स्मॉल पेन वी फील द पेन एंड मूव अवे आवर हैंड क्विकली. अगर छोटी सी पेन अगर हम अपने कोई हमारे हाथ पे चुभोए तो हमें फील होगा हमें दर्द होगा हम जल्दी से अपना हाथ हटा लेंगे. वी मूव अवे आवर हैंड क्विकली व्हेन प्रिक विद अ पेन. व्हेन वी टच द लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट. अगर हम एक लीव है जिसका नाम टच मी नॉट है उस प्लांट को टच करते हैं इट क्विकली क्लोजेस इट्स लीव. तो जैसे ही हम उसका नाम टच मी नॉट है अगर हम उस प्लांट को टच करते हैं तो वो फौरन से अपने जो लीव्स है वो क्लोज कर लेता है बंद कर लेता है. When we touch an ice cube, अगर हम कोई ice cube को touch करेंगे our fingers feels cold. अगर हम किसी ice cube को या बर्फ को touch करेंगे हमारी finger हमें feel होगा कि बहुत ठंडी चीज़ है. When we hear music, जब हम music सुनते हैं our feet start tapping the floor. तो हम जब music class होती है हमारी हम music सुनते तो हम कितना enjoy कर रहे थे tap कर रहे थे floor पे अपने फीट को और उछल रहे होते हैं इंजॉय कर रहे होते हैं. तो ये किस तरह होता है? क्योंकि हम उस म्यूजिक को फील कर रहे हैं तो हम उसको रिएक्ट कर रहे हैं. लाइक अगर आपको कोई डिश अच्छी बनती है आप बहुत खुश होते हैं तो आप उसको रिएक्ट करते हैं ना बताते हैं मम्मा को मम्मा बहुत अच्छी बनी और आप इतने इंजॉय करके खाते हैं. इसी तरह आप वो डिश को फील करते हैं तो आप वो रिएक्ट करते हैं. कैन अ टेबल अ चेयर
और योर बाईसाइकिल फील एंड रिएक्ट. क्या आपकी टेबल चेयर या आपकी कोई भी साइकिल जो है वो फील कर सकती है या रिएक्ट कर सकती है? नो, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट फील एंड रिएक्ट. नहीं, नॉन लिविंग थिंग्स कभी भी फील नहीं कर सकती है, रिएक्ट नहीं कर सकती. नाउ कम टू पेज नंबर 8. लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, ऑब्जर्व. लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस भी करते हैं. ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर. यू कैन सी द पिक्चर्स. पैरट है, पैरट का बेबी क्या होता है, छोटा सा जो बेबी है. इसी तरह गोट का भी बेबी होता है. इसी तरह प्लांट भी एक छोटा सा प्लांट होता है. वॉट डू यू ऑब्जर्व इन दिस पिक्चर. आपने क्या ऑब्जर्व किया इन दिस पिक्चर. वी कैन सी दैट लिविंग थिंग्स कैन प्रोड्यूस यंग वंस लाइक themselves. अब ये बता रहे हैं कि हम लोग देख सकते हैं आसानी से कि हर लिविंग थिंग प्रोड्यूस करता है. लाइक एक बेबी होता है, एक बड़ी गोट ने एक छोटी बेबी प्रोड्यूस करी, पैरट ने एक यंग पैरट ने पैरट प्रोड्यूस किया. इस तरह ही हर लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस करता है. अ बर्ड लेज एग. जो बर्ड्स होते हैं वो अंडे देते हैं. बेबी बर्ड्स कम आउट ऑफ द एग. और वो अंडों से क्या निकलते हैं, बच्चे निकलते हैं. मोस्ट यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स. हर छोटा प्लांट जो है एक सीड होता है, उसमें से ग्रो होता है. और बहुत से प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सीड्स खुद रिप्रोड्यूस करते हैं. और अगर हम उसको फिर उसको सॉइल के अंदर करेंगे तो फिर उसमें से एक न्यू प्लांट भी ग्रो करेगा. ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स लाइक गोट्स एंड कैट गिव बर्थ. इसी तरह ह्यूमन बींग्स भी बर्थ देते हैं और बच्चे पैदा करते हैं और जानवर भी. ओनली लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस. सिर्फ लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस. जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते. लाइक चेयर, टेबल, ये सब चीज़ें रिप्रोड्यूस कर सकती हैं. अपने एक चेयर दूसरी चेयर को रिप्रोड्यूस कर सकती है? नो, ओनली लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस. इसी तरह आपकी एक्सरसाइज है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स की. ड्रॉ लाइंस टू मैच द थिंग्स विद द करेक्ट वर्ड्स. आपको बताना है कि जो है लिविंग थिंग कौन सी चीज़ें हैं, उसको लिविंग थिंग्स से मैच करना है. और जो नॉन लिविंग थिंग है उनको नॉन लिविंग थिंग से मैच करना है. दिस इज योर वर्ड. लाइक प्लांट है तो वो लिविंग थिंग है. बैट नॉन लिविंग थिंग. बुक नॉन लिविंग थिंग. गर्ल लिविंग थिंग. पपी लिविंग थिंग. पेंसिल नॉन लिविंग थिंग. फैन नॉन लिविंग थिंग. पैरट लिविंग थिंग. cow living thing and grass is also a living thing. Now come to page number 9. Let's have fun. अब आपको यहाँ पे natural things के name लिखने हैं और man-made things के name लिखने हैं. कोई भी 3 names लिखने हैं. इंशाल्लाह हम फिर अपने new इस lesson का work start करेंगे. Now this lesson is completed. If you have any confusion or question, you can ask me, freely discuss with me in this class group according to this lesson. Inshallah, we will meet you soon in our next video with start a work of this lesson. आपको बहुत अच्छे तरीके से अपनी साइंस की कॉपी में ड्राइंग, पहले तो आपको फर्स्ट टर्म का टाइटल पेज क्रिएट करना है, मेक करना है. और मंथ ऑफ अगस्त का इसी एक ही पेज पे आपको मेक करना है कलरफुल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से. और अगर आपको इस लेसन का आपको टाइटल पेज क्रिएट करना है लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, आपको ऐसे हेडिंग करनी है. चैप्टर 1 के आपको लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स राइट करना है बहुत अच्छा सा कलरफुल. बट डोंट यूज़ मार्कर्स, ओनली यूज़ कलर पेंसिल्स. और यू कैन ड्रॉ थिंग्स लाइक लिविंग थिंग्स भी आप ड्रॉ कर सकते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी ड्रॉ कर सकते हैं. इंशाल्लाह हम न्यू वीडियो में मिलेंगे. हम इसका वर्क स्टार्ट करेंगे. जब तक रिव्यू दिस लेसन अगेन एंड अगेन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस लेसन. कोशिश करें कि जो है आप इसको रीड करें बहुत अच्छे तरीके से, जिस तरह मेरी वीडियो को वॉच करें, जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया है उसको समझने की कोशिश करें. और वीडियो देखते वक्त ज़रूर अपनी बुक ओपन करिएगा और मेरे साथ ही बैठ के इस वीडियो को वॉच करेगा अपनी वीडियो को बुक के साथ, ताकि आपको पता चलता रहे कि टीचर कहाँ रीड कर रही है. और टीचर के साथ भी रीड करिएगा और रीड कर करके इसको लेसन को बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेगा. इंशाल्लाह हम न्यू वीडियो में मिलेंगे. जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. स्टे होम, स्टे सेफ. अल्लाह हाफिज़.